लालगांव नए बस स्टैंड में शाम 7 बजे कटरा रोड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक MP17HH1152 के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए लालगांव यूनियन बैंक के पास ग्रेजुएट ट्रंक एवं फर्नीचर दुकान के ठीक सामने खड़ी रामजी गुप्ता की अल्टो कार क्रमांक MP17CA7818 व स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार स्कूटी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। लालगांव पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर स्थित यह घटना हुई है, जिससे लालगांव बाजार में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं लालगांव पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ धारा 279 व धारा 227 के तहत मामला दायर कर उक्त घटना की विवेचना शुरू करके ट्रक चालक व ट्रक को पुलिस चौकी ले जाया गया है। बड़ी टॉर्च नहीं धरे आई घरे में सभी लोग ले लो। जो ट्रक हादसा लालगांव में हुआ, उसमें जो पीड़ित हैं रामजी गुप्ता, जिनकी कार व स्कूटी को टक्कर मारते हुए लगभग 50 मीटर तक घसीटते हुए ट्रक लेकर के गया है, रामजी गुप्ता हमारे साथ हैं। हम इनसे इस घटना के संदर्भ में बात करेंगे। भैया, क्या हुआ था, ट्रक किधर से आया था और उस वाकया को आप बताएं हमें। जी सर, कटरा तरफ से तेज रफ्तार से गाड़ी टकरा रहा था। अच्छा। और हमारी मारुति अल्टो 800 को टक्कर मारते हुए इसके बाद घसीटता हुआ स्कूटी में मारा है, आगे जाके यूनियन बैंक के पास टीन से लड़ता हुआ दुकान के पास खड़ा हुआ। अच्छा, लगभग क्या समय रहा होगा जब 7 बजे के लगभग है, तो उस समय यहाँ चौराहे में भीड़ भी रही होगी, भीड़ इकट्ठा हो गई, भरत भरी का माहौल बन गया, पूरे बाजार के आदमी आ गए, तमाम इधर-उधर से। घटना के बाद क्या ट्रक चालक भाग गया ट्रक लेकर के कि पकड़ा गया? चालक पकड़ा गया। अच्छा, कि ट्रक चालक को पुलिस वाले अपने कस्टडी में ले लिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपकी गाड़ी की क्या स्थिति हुई, कितना दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हुई? गाड़ी ज्यादा यो बाइक तो बिल्कुल एंड पे समाप्त हो गई घर में। अच्छा, आपकी जो स्कूटी थी वो पूरी तरफ से समाप्त हो गई। इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा आ गया है, यानी ज्यादा डैमेज हो गई है, कार ज्यादा डैमेज हो गई है। और आपने रिपोर्ट लिखाई? रिपोर्ट लिखा दी। अच्छा, तो पुलिस जो है तो विवेचना कर रही घटना की। जी जी। ट्रक और ट्रक चालक को पुलिस ले गई यहाँ से। जी, चलिए, धन्यवाद। तो ये रामजी गुप्ता जी थे जिनसे हम उस घटना के संदर्भ में बात कर रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका।